morning students. Today we will start exercise 14.2 of chapter 14 factorization. So exercise 14.2 start करने से पहले हम कुछ identities पढ़ेंगे जो हमारी exercise 14.2 में काम आएंगी. So first identity है हमारे पास a plus b का whole square. a plus b का whole square हो तो कैसे open होता है? a square फिर b का square plus 2 से दोनों का multiplication. क्या आइडेंटी बनी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी. सेकेंड आइडेंटी हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर. जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो कैसे ओपन होगा? अगेन पहले ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. साइन किसका है? माइनस का. तो माइनस टू इंटू ए एंड बी. तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन हुई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ऑफ ए बी. थर्ड आइडेंटी हमारी ए प्लस बी एंड ए माइनस b, तो which is equals to a का square minus b का square. then the fourth identity is x plus a and x plus b. तो ये कैसे ओपन होती है हमारी? x का square plus a plus b का multiplication किससे? x से plus a into b. तो x plus a and x plus b कैसे ओपन हुई? x square plus a plus b multiplication x plus a b. so these are the identities जो हमारे 14.2 में फैक्टराइज करने के काम आएंगे. नाउ एक्सरसाइज 14.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन हैं एंड वी हैव टू फैक्टराइज दैट एक्सप्रेशंस. ठीक है, सो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें जो गिवन है वो क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस 16. ठीक है, सो देखो फैक्टराइज करते हैं ए स्क्वायर एज इट इज. ए को हम क्या ले सकते हैं? 2 इंटू 4. तो 2 इंटू 4 इंटू ए भी मल्टीप्लीकेशन में इंटू ए प्लस 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं. 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 ही होता है. अगेन 4 4 16. नाउ ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई है? हम एक आइडेंटिटी पढ़ के आए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर. वो कैसे ओपन होना था? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एंड बी. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी होता था. तो हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करा तो किस फॉर्म में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. ठीक है, सो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है यहाँ पर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हुई है. नाउ हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी में ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हुआ है. तो हम इसको किस पे लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर. सो ए प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्सप्रेशन आया फैक्टराइज करने पर ए प्लस 4 का होल स्क्वायर. अगेन जब हम ए प्लस 4 को फैक्टराइज करेंगे ओपन करेंगे इस आइडेंटिटी को तो कैसे होगा? देखो ए का स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसके बाद 2 इंटू ए इंटू 4, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर जो कि क्या है? अगेन 4 का स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस 2 4 8, ए मल्टीप्लीकेशन में ए भी है तो ए प्लस 4 4 16. अगेन हमारे पास क्या आ गया? वही एक्सप्रेशन आ गया. तो हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने में? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी. हम इसको क्या लिख सकते हैं वापस? ए प्लस 4 का होल स्क्वायर. नाउ सेकंड एक्सप्रेशन हमें गिवन है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25. ठीक है, फैक्टराइज करते देखो पी स्क्वायर दैट इज माइनस 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5. तो 2 इंटू 5 इंटू पी प्लस 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है? अगेन 25. ठीक है, सो देखो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई? ए स्क्वायर, इसको हमने ए स्क्वायर माना. ए स्क्वायर ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. ठीक है, पर ये कौन सी आइडेंटिटी बनी? माइनस में. हम ये आइडेंटिटी पढ़ के आ चुके हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम इसको किस पर कन्वर्ट करेंगे? ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर कन्वर्ट करके. तो हम इसको किस पर चेंज कर सकते हैं? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? पी माइनस 5 का होल स्क्वायर. जब पी माइनस 5 के होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो अगेन हमारे पास कौन सा स्टेप आएगा? ये वाला स्टेप आएगा, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25. सो पी माइनस 5 का होल स्क्वायर. फोर्थ एक्सप्रेशन हमें गिवन है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर. फैक्टराइज करते हैं देखो 749 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर, ठीक है, और y का भी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? 7y का होल स्क्वायर. ठीक है, 49 को हम लिखा 7 का स्क्वायर
पाई का भी स्क्वायर तो पूरा लिख दिया, 7 पाई का होल स्क्वायर प्लस देखो लास्ट वाले को काटते पहले 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 से आता है, अगेन z पर भी स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर इसका है और z पर भी स्क्वायर है तो हम पूरा क्या लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा a, हमने माना इसको कि ये हमारा a है और ये हमारा क्या हो गया b, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हम आइडेंटिटी पढ़ के आ चुके हैं, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे ओपन होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 * a b, तो ये हो गया हमारा a का स्क्वायर, लास्ट वाला हो गया हमारा b का स्क्वायर। अब हमको क्या चेक करना है कि 2 * a b भी आ रहा है क्या, देखो 2 2 आ गया * a का मल्टीप्लिकेशन, a कौन था हमारा 7 7y, तो 7y प्लस b क्या था हमारा 6z, तो प्लस 6z, तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारी, a प्लस b का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a b। ठीक है, सो ये इस फॉर्म में ओपन है अभी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है हमारी, a प्लस b का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a b। नाउ 6th एक्सप्रेशन है हमारा 121 b स्क्वायर माइनस 88 bc प्लस 16 c स्क्वायर। ठीक है, सो देखो फैक्टराइज करते हैं, 121 को हम क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर करेंगे 11 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा कि हमको कितना मिलेगा 121 ही मिलेगा, तो हमने 121 को लिख दिया 11 का स्क्वायर। देखो उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में b है वो भी स्क्वायर में है, तो हम क्या लिख सकते हैं 11 b का होल स्क्वायर, तो हमारा आगे 11 b का होल स्क्वायर, 121 b स्क्वायर को हमने लिख दिया 11 b का होल स्क्वायर माइनस लास्ट वाला देखते हैं पहले फिर क्या है 16 c का स्क्वायर, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 4 जाके हमारे पास क्या आएगा 16 ही आएगा, साथ में क्या है c स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर में है और ये भी हमारा कितना था स्क्वायर में था, तो हम लिख देंगे 4 c का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको माना कि a है तो ये हो गया a का स्क्वायर और ये हमने माना b है तो ये हो गया हमारा b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी होती थी a स्क्वायर माइनस b और यहाँ पर क्या है बीच में माइनस 2 * a * b, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज हुई जो कि ओपन होती थी a स्क्वायर माइनस 2 * a * b प्लस b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी ओपन हुई है a स्क्वायर ये ना b स्क्वायर ये ना माइनस 2 * a क्या था हमारा 11 b और * b क्या था हमारा 4 c। ठीक है, तो हम इसको किस में लिख सकते हैं a - b के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे a 11 b माइनस b क्या है हमारा 4 c का होल स्क्वायर, तो क्या है हमारे पास 11 b माइनस 4 c का होल स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे और वो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फैक्टराइज, अगेन हमें फैक्टराइज करना है, हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन का गिवन है 4 b स्क्वायर माइनस 9 q स्क्वायर। ठीक है, सो देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ही होता है और उसके p का भी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2 p का होल स्क्वायर माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर अगेन क्या आने वाला आएगा हमारे पास 9 और यहाँ पर q पर भी स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं 3 q का होल स्क्वायर। अभी हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, हमने एक थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, विच इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b, हमने एक थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी थी जो कि थी हमारे पास a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, किसमें ओपन हो रही थी वो a प्लस b और a माइनस b है, तो अगर हम देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है a स्क्वायर बन रहा है माइनस ये हमारा क्या बन रहा है b स्क्वायर बन रहा है, तो किसमें ओपन होगा ये a प्लस b में और a माइनस
Now fifth, L plus n का whole square minus L minus n का whole square. ठीक है. तो अगर हम चाहें तो इसको a plus b के whole square और a minus b के whole square से भी open कर सकते हैं. ठीक है. नहीं तो हम इसको देखो, इसको हमने पूरे को मान लिया a का square minus इसको हमने मान लिया पूरा b का square. और ये भी हमारी थर्ड आइडेंटिटी a square minus b का square जो कि किसमें ओपन होती थी a plus b में और a minus b में. तो हम इसको किसमें ओपन करेंगे a plus b और a minus b में. a हमारा क्या है l plus n और b क्या है हमारे पास l minus m. तो a plus b l plus m plus l minus m ये हो गया हमारे पास a plus b. उसके बाद a minus b तो l plus m a minus l minus m l minus m b आ गया हमारे पास. Now देखो solve करना है l plus m plus l m l minus m as it is l plus m minus है ना minus का l और minus का किसका होता है plus तो plus का m. Now solve करते हैं. देखो यहाँ पर m से m कट गया क्योंकि दोनों के पास opposite sign थे. क्या आया l plus l l plus l कितना हो गया 2l. Now इधर here यहाँ पर हमारे पास l से l cancel हो गया क्योंकि एक l हमारे पास प्लस का था एक हमारे पास माइनस का था अपोजिट साइड के तो कैंसिल हो गया. तो क्या बचे m और m. m plus m कितना होता है हमारे पास 2m. ठीक है. नाउ 2l into 2m. ठीक है. सो 2 2 से कितना होता है हमारे पास 4m और l तो 4m. नाउ 25 a square minus 4 b square plus 28 bc minus 49 c square. ठीक है. सो 25 a square minus इन सारे टर्म्स को एक साथ ले लिया 4 b square plus 28 bc plus 49 c square. नाउ 25 a square को हम क्या लिख सकते हैं 5 a का होल स्क्वायर. 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर 8 पर भी स्क्वायर है तो 5 a का होल स्क्वायर माइनस देखो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और b पर भी स्क्वायर तो 2 b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 2b का होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ यहां पर आएगा 2b तो 2b का हमारे पास होल स्क्वायर माइनस है ना. लास्ट देखते हैं 49 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर c पर भी स्क्वायर है तो 7c का होल स्क्वायर 7c का होल स्क्वायर माइनस देखो ये हो गया हमारे पास a का स्क्वायर ये हो गया हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 2 इनटू a इनटू b. तो कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रही है हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2 इनटू a इनटू b प्लस b का स्क्वायर. ठीक है. ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर और 7c स्क्वायर हमारा क्या हो गया b स्क्वायर. ठीक है. माइनस 2 इनटू a कितना है 2b और b कितना है 7c. ठीक है. हम इस पे लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको. तो a का स्क्वायर a कितना है 2b और b कितना है 7 तो 2b माइनस 7 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर हमारा 5a का होल स्क्वायर चल ही रहा है ना. इस पूरे को हमने माना a स्क्वायर और 2b माइनस 7 के होल स्क्वायर को हमने माना b का स्क्वायर. तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी हमने लिखी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसमें ओपन होती थी a प्लस b और a माइनस b में. ठीक है. तो a हमारा क्या है 5a और b क्या है 2b माइनस 7 तो 5a प्लस 2b माइनस 7c ये तो हो गया हमारे पास a प्लस b. नाउ a माइनस b तो 5a माइनस 2b माइनस 7c तो हमारे पास